आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। चंदौली में निकाय चुनाव मतगणना के दौरान मारपीट हुई। खबर चंदौली से है, जहां निकाय चुनाव मतगणना के दौरान मारपीट हुई। दो पक्षों में जमकर चले लात घूंसे। खबर चंदौली से है, जहां दो पक्षों में जमकर लात घूंसे चले हैं। मतगणना के दौरान हुई मारपीट। उपद्रवियों ने एक कार को किया क्षतिग्रस्त। उपद्रवियों ने एक कार को क्षतिग्रस्त कर दिया है। खबर चंदौली से है, पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ दिया। बड़ी खबर चंदौली से आपको बता दें, प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच हुई मारपीट। प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच मारपीट हुई है, जिसमें उपद्रवियों ने एक कार को क्षतिग्रस्त किया। उपद्रवियों ने पूर्व चेयरमैन की कार को क्षतिग्रस्त कर दिया है। चंदौली पॉलिटेक्निक स्थित मतगणना स्थल के बाहर का मामला है, जहां पर दो पक्षों में मारपीट हुई है। प्रत्याशियों के समर्थकों ने आपस में मारपीट कर ली है। निकाय चुनाव मतगणना के दौरान हुई मारपीट। भगवंत मान सिंह का बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ बड़ा बयान। एजेंडा एक ही था कि आज हमने चार गालियां दी हैं, तुम इतनी दे देना। जालंधर की जनता ने आपसे के काम और ईमानदारी के पक्ष में दिया फतवा। हम जालंधर की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, भगवंत मान सिंह ने कहा। भगवंत मान सिंह का बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ बड़ा बयान। एजेंडा एक ही था, आज हमने चार गालियां दी हैं, तुम इतनी दे देना। जालंधर की जनता ने आपके काम और ईमानदारी के पक्ष में दिया फतवा। हम जालंधर की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, भगवंत मान सिंह ने कहा। भगवंत मान सिंह का बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ बड़ा बयान। एजेंडा एक ही था, आज हमने चार गालियां दी हैं, तुम इतनी दे देना। जालंधर की जनता ने आपके काम और ईमानदारी के पक्ष में दिया फतवा। हम जालंधर की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, भगवंत मान सिंह ने कहा। मुरादाबाद निकाय चुनाव में भाजपा की जीत। निकाय चुनाव में मुरादाबाद में भाजपा की जीत हुई है। मुरादाबाद में मेयर सीट पर बीजेपी की जीत हुई। लगातार बीजेपी की बढ़त होती जा रही है। मेयर सीटों की बात करें तो मुरादाबाद में विनोद अग्रवाल जीते हैं। मुरादाबाद में बीजेपी की जीत हुई है। मुरादाबाद निकाय चुनाव में भाजपा की जीत हुई। नगर निगम चुनाव में भाजपा की जीत। मुरादाबाद में मेयर सीट पर बीजेपी की जीत हुई है। मेयर सीट पर मुरादाबाद के बीजेपी की जीत हुई है। मुरादाबाद में विनोद अग्रवाल जीते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कर्नाटक के किले को अरसे बाद फिर से फतह कर लिया है और काफी लंबे अरसे बाद वो कर्नाटक में दोबारा सरकार बनाने जा रही है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार खुशी से झूम रहे हैं। इस समय हम कांग्रेस के मुख्यालय पर हैं। प्रदेश अध्यक्ष विद्यार्थ खाबरी जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, कर्नाटक में आप एक बार फिर से काफी अरसे के बाद सरकार बनाने जा रहे हैं, काफी अच्छे माध्यम से आप देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कह रहा है, खुशी का माहौल पूरे देश में। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी है, खुशी मनाई जा रही है। हमारे AICC कार्यालय में आदरणीय राहुल गांधी जी स्वयं सामने दिख रहे हैं, सब जगह खुशी का माहौल है। खुशी की बात यह है कि 40% कमीशन और सरकार को कर्नाटक के लोगों ने बाय बाय बोला और कांग्रेस को वहाँ बहुमत स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने का न्योता दिया है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और ये जो जीत शुरू हुई है, ये जीत आज से शुरू हुई है। 24वां लोकसभा का चुनाव कराने के बाद राहुल जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के बाद ही खत्म हुआ। क्या मानते हैं कि कर्नाटक की जीत जो है वो ये स्पष्ट संदेश है 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी को, कि कांग्रेस जो है अब लीड करती हुई दिखाई दे रही है? बिल्कुल संदेश है। अभी तो कर्नाटक है, आने वाले 4 महीने बाद तीन राज्यों के चुनाव है, वो भी हमारे कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे। तो यह जीत का सिलसिला अब जारी हो गया है और 24 में जा करके जब कांग्रेस में देश में छा जाएगी तो
चुनाव से पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बकायदा एक फिल्म का जिक्र किया था, बजरंग दल का जिक्र किया था, उसके बाद भी कांग्रेस अच्छे मार्जिन से वहां जीत रही है। आप कह रहे हैं कि 24 सीटों से कांग्रेस आ रही है, लेकिन 2019 चुनाव के पहले तीन राज्यों में कांग्रेस ने भाजपा को हरा कर सत्ता हासिल की थी, लेकिन 2019 के परिणाम में दोबारा से जो है भारतीय जनता पार्टी जीत के आ गई थी। तो ऐसी क्या रणनीति होगी कि 2019 का परिणाम जो है इस बार न दोहराया और हमें देश को बचाने वाले लोगों के साथ खड़ा होना, देश को बेचने वालों के साथ। एक तरफ देश को बचाने वाले मारने वाले लोग हैं जिसको कांग्रेस कहते हैं, एक तरफ देश को बेचने वाले लोग हैं जिसको लोकतंत्र कहते हैं। अब जनता ने तय कर लिया है कि देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो बेचने वालों के साथ छोड़ के देश को बनाने बचा के चलाने वालों के साथ खड़ा होना है वो है कांग्रेस। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, लोकल बॉडीज का चुनाव हुए आज रिजल्ट भी आना है। कांग्रेस जो है अब तक जो अगर बात की जाए तो काफी नगरीय निकाय चुनाव में काफी पीछे चल रही है, तो उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से मजबूती कांग्रेस अब पकड़ेगी ताकि लोकसभा चुनाव के लिए जो दिक्कतें हैं वो दूर हो सके और कांग्रेस जो है लीड कर सके। देखिए आगे और पीछे की बात जब आती है, जब पीछे सरकार में होते हो फिर हम ना आगे बढ़ते, तब तो हमने पिछले बार जो हम नगर निगम नगर पालिका में स्थिति जो मेरी थी उससे कहीं हम ज्यादा है, कहीं हम ज्यादा दुर्ग किए हैं, और ये आने वाले 4-6 घंटे में स्पष्ट हो जाएगा कि हमने पिछले बार से इस बार कितना गेन किया है। हमें पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश को सम्मानित मतदाताओं ने कांग्रेस को तवज्जो दिया है, गली गली गांव गांव में कांग्रेस ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री मुख्यमंत्री गली गली गांव गांव घूमते नजर आओ इस डर के मारे कहीं कांग्रेस विरोध न कर। दूसरा एक बड़ा दबाव बनाया है सरकार का, पुलिस को अपने हाथ में लेकर के मतदाताओं को डरवाया है, गिनती में गड़बड़ी हो रही, तमाम परेशानियों के बावजूद भी अगर कांग्रेस यहाँ ग्रोथ कर रही है तो अच्छा है। तो ये थे हमारे साथ बृजलाल खावरी जी, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कर्नाटक के विजय से लोकसभा 2024 की शुरुआत हो चुकी है। प्राइम टीवी के लिए लखनऊ से विवेक शाह। निकाय चुनाव के बीच विधानसभा में 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना हो रही है। इस समय हमारे साथ अपना दल के आशीष पटेल जी हैं, कैबिनेट मंत्री, हमसे बातचीत करेंगे। जिस प्रकार से रायपुर में स्वार की सीट आप जीते हैं, कैसा लग रहा है कि इसके बाद आगामी लोकसभा का चुनाव भी है? देखिए हमारी नेता जिस प्रकार से सामाजिक न्याय की बात करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार का जिस प्रकार से लोगों पर भरोसा है ये उसकी जीत है। 96 में भी आप मजबूती से लड़ रहे हैं, अभी उसका रिजल्ट आने में बाकी, क्या लगता है कि वहाँ किस प्रकार नहीं, अभी हमारा प्रत्याशी आगे चल रहा है 5,000 से ज़्यादा मतों से, फाइनल रिजल्ट आते ही हम बड़ी मात्रा के वोटों से जीतेंगे। आप NDA के साथ गठबंधन में हैं, आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, किस प्रकार से उसकी रणनीति इसके बाद आप देखिए? आज उपचुनाव है, आज रिजल्ट का आनंद लीजिए फिर इस पर बात करें। तो ये थे हमारे साथ आशीष पटेल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रामपुर में स्वार वो जीत चुके हैं और 96 भी जीत की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले समय में अपना दल पार्टी और मजबूती से लोकसभा चुनाव भी लड़ेगी। लखनऊ से विवेक शाही, प्राइम टीवी। जीत है जिन लोगों ने मुझको चुनाव लड़ाया, गरीब असहाय और जो मेरे शुभ चिंतक रहे उन लोगों ने मेरा अपना चुनाव समझ के चुनाव को लड़ा, उसी का परिणाम है कि मैं 1900 वोटों से चुनाव जीता। पार्टी का क्या रोल रहा? पार्टी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया और सभी पार्टी के शीर्ष नेताओं का धन्यवाद जो मुझे टिकट दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में। यूपी नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है, जहां बीजेपी ने खुद अपने कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और मेयर की सभी 17 सीटों पर कमल खिला है। तो वहीं बीजेपी ने नगर पालिका और नगर पंचायत में भी शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं जीत के बाद बीजेपी कार्यालय और बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रचंड जीत का जश्न मनाया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, लगातार बीजेपी की शानदार जीत हुई है जिसका जश्न मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल नंदनी, आपको बता दें कि शहर की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की एक ऐतिहासिक जीत होते हुए नजर आ रही है।
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है, बीजेपी 17 पे कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए नजर आ रही है। अगर बात की जाए तो 8 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पक्की हो चुकी है, वहीं अगर बात की जाए तो 9 नगर निगम पर आगे चल रही है। अगर बात की जाए तो नगर निगम झांसी से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विजय लाल आर्या की ऐतिहासिक जीत हुई है और इस जीत की वजह बताई जा रही है कि बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और दूसरे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इस सीट पर कहीं ना कहीं वोट मांगते हुए नजर आए थे। साथ ही अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी अगर इस निकाय चुनाव में एक सर्वे करवाई थी, उसके आधार पर टिकटों का वितरण की थी, जिसका नतीजा है कि बीजेपी को एक प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में जीत हासिल हो रही है। अगर बात की जाए तो गोरखपुर से डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव विजय हुए हैं नगर निगम की कुर्सी पर, अब ये आसीन होते हुए नजर आएंगे। साफ तौर से अगर देखा जाए तो गोरखपुर से श्री मंगलेश श्रीवास्तव कहीं ना कहीं गोरखपुर सदर पर जो सीट है सदर की, उसमें लगभग 96,000 कायस्थ मतदाता है, जिसका नतीजा है कि बीजेपी का जो जातिगत फार्मूला था उसके तहत मंगलेश श्रीवास्तव कहीं ना कहीं विजय होते हुए नजर आए हैं। साथ ही आपको बता दें कि सीट को मुख्यमंत्री का गढ़ भी कहा जाता है। वहीं अगर बात की जाए तो सहारनपुर के अंदर में डॉक्टर अजय सिंह विजेता बने हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसकी वजह बताई जा रही है कि जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों के तमाम नेताओं प्रत्याशी खड़े हुए थे, उसमें कहीं ना कहीं एक तालमेल नहीं बना पाए और साथ ही साथ संगठन से इन प्रत्याशियों का एक कहीं ना कहीं समर्थन देखने को नहीं मिला। वहीं अगर बात की जाए तो सहारनपुर से अजय सिंह की तरफ से लगातार केंद्र सरकार के कई मंत्री जाकर उनके समर्थन में वोट मांगते हुए नजर आए थे। अगर आपको नंदनी अयोध्या ले चले तो अयोध्या से गिरिजेश पति त्रिपाठी की जीत हुई है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता है और इस सीट पर कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज और ओबीसी एससी समाज का एक यहाँ पर इनकी वोट में कहीं ना कहीं अधिकतम इनकी वोटर्स हैं, जिसका नतीजा है कि अयोध्या की सीट कहीं ना कहीं बीजेपी के हाथ फिर से लगते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर आपको बरेली की बताएं तो बरेली में डॉक्टर उमेश गौतम विजय हुए हैं। अब बात करें तो उमेश गौतम एक शिक्षक हैं और क्षेत्र के अंदर में अपनी अलग पहचान रखते थे, जिसका नतीजा था कि बीजेपी उन पर विश्वास जताते हुए नजर आई। अपने विश्वास पर खरे उतरते हुए कहीं ना कहीं डॉक्टर उमेश गौतम भी नजर आए हैं। वहीं अगर आपको बात करें मुरादाबाद की, तो मुरादाबाद से विनोद अग्रवाल मेयर पद के प्रत्याशी थे और ऐतिहासिक जीत हासिल किए हैं। वहीं अगर मथुरा वृंदावन की बात की जाए तो विनोद अग्रवाल वहां से नवनिर्वाचित मेयर बन के आए हैं। साफ तौर से अगर देखा जाए तो वैश्य वोट और बीजेपी का एक गढ़ है। साथ ही साथ अगर बात की तो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी इनके चुनाव में काफी सक्रिय नजर आए थे। वहीं अगर बात की जाए तो शाहजहांपुर, जहां नगर निगम की पहली दफा चुनाव हुआ और बीजेपी एक लंबी सेधमारी करके समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार अर्चना वर्मा को अपने सिंबल पर चुनावी मैदान में उतारती है और कहीं ना कहीं सपा से वो बगावत करती है, उस वक्त कहीं ना कहीं ये चर्चा होती है कि सपा और बीजेपी के अंदर में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकता है। मगर अर्चना वर्मा एक तरफा लगातार इस सीट पर बढ़त बनाते हुए नजर आई और आखिरी चरण में वो विजेता घोषित हुई है। साथ ही आपको बताएं कि देर शाम तक जो प्रदेश के अंदर में लगभग 544 नगर पंचायत, 199 नगर पालिका की सीटें हैं, उस पर भी जो इस कुर्सी पर आसीन होगा उनके नाम भी साफ हो जाएंगे। विभांशु, देखिए लगातार जब बीजेपी रैलियां कर रही थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब जनसभाएं कर रहे थे तो यही कहते थे कि डबल इंजन की सरकार को ट्रिपल इंजन सरकार बनाइएगा। और कहीं ना कहीं ये जो जीत हुई है बीजेपी की 2024 के लोकसभा चुनाव में, इसको किस तरीके से देखा जाए, सेमीफाइनल माना जा रहा था इसको। जी मयूरी, जी नंदनी, आपको बता दें कि चुनाव पर प्रदेश भर की निगाहें टिकी हुई थी और बात करें तो इस चुनाव को लोकसभा के सेमीफाइनल के तौर पर गिना भी जा रहा था। और बात करें तो बीजेपी की तरफ से लगातार इस चुनाव को कहीं ना कहीं सक्रियता से लड़ते हुए नजर आए हैं तमाम नेता, चाहे बात करें तो क्षेत्रीय विधायक हो या किसी छोटे अगर एक पद पर बैठे एक कार्यकर्ता हो, पन्ना प्रमुख या पर्चा प्रमुख, चाहे बात करें
प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी हो, हर एक बीजेपी का वर्कर पूरी तरह से पुरजोर मेहनत करते हुए चुनाव में नजर आया है, जिसका नतीजा है कि बीजेपी को एक भारी ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि तमाम मंत्री और विधायक और साथ ही साथ सांसद और तमाम जनप्रतिनिधि इस चुनाव में बीजेपी के पक्ष में जो वोट मांगते हुए नजर आए, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि प्रदेश में और देश में हमारी सरकार है, अगर आप निगम में हमारी सरकार बनाएंगे तो ट्रिपल इंजन के तहत हम विकास को चौमुखी रफ्तार देंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी का जो नारा था ट्रिपल इंजन सरकार का, वो पूरी तरह से अब पूरा हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी इस ट्रिपल इंजन के साथ कितने विकास कार्य करती है। जी, विपक्षी पार्टियों की बात करें तो आगामी चुनाव में अब कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा विपक्षी पार्टियों के लिए? जी, अगर लोकसभा के दृष्टिगत देखा जाए तो विपक्षी पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इस चुनाव में जहां बीजेपी लगातार मेहनत करते हुए नजर आई, साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रदेश के अलग अलग कोनों में तमाम पदाधिकारी जाकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियों को बताते हुए नजर आए, साथ ही साथ सीएम लगातार लॉ एंड ऑर्डर और राशन एवं तमाम केंद्र सरकार की योजनाओं को सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश में स्थापित होने पर अपनी पीठ थपथपाते हुए नजर आए, जिसका नतीजा है कि जनता ने बीजेपी पर विश्वास जताया है। और नतीजों में साफ आप देख रही होंगी कि बीजेपी की जीत से कहीं ना कहीं उनकी सक्रियता नजर आई, और जिसका नतीजा है उनके सक्रियता होने की वजह से कहीं ना कहीं उन्हें सफलता भी मिली है। अगर बात करें विपक्षी दलों की नंदनी, तो विपक्षी दलों के पास एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अगर बात करें तो सूबे के मुख्यमंत्री प्रदेश भर के अलग अलग कोनों में जाकर दर्जनों से ऊपर सभाओं को संबोधित करते हैं, साथ ही साथ वो ट्विटर के माध्यम से भी प्रचार करते हुए नजर आते हैं। सोशल मीडिया टीम को भी पूरी तरह से आईटी सेल को भी एक्टिवेट किया गया था, अलर्ट मोड पर रखा गया था। मगर आप तस्वीरों में अगर बात करें तो विपक्षी पार्टियों को अगर देखें तो विपक्षी पार्टियों की तरफ से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ना ही पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा सुश्री मायावती, ना ही पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा, और बात करें सक्रिय नजर आए ये दोनों नेता कहीं ना कहीं कंट्रोल रूम में बैठकर, और प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल और इस चुनाव के प्रभारी भीमराव अंबेडकर पर पूरी जिम्मेदारियों को देते हुए नजर आए। वहीं अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव महज 5 जनसभाओं को संबोधित किए, और कहीं ना कहीं देखें तो बीजेपी की सक्रियता है कि एक सफलता आज उन्हें मिली है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। नगर निकाय चुनाव की मतगणना जारी है, रुझान सामने आ रहे हैं जिसमें बीजेपी काफी आगे निकल चुकी है। राज्य में 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और 544 नगर पंचायत के लिए चुनाव हुए हैं। बीजेपी 17 नगर निगम में से झांसी में जीत दर्ज कर चुकी है। सहारनपुर नगर निगम मेयर पद पर बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर अजय सिंह जीते। वहीं अब 17 नगर निगम में आगे चल रही है बीजेपी। वहीं विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ था जिसके नतीजे आज घोषित किए जा रहे हैं, जिसमें बात करें तो स्वार विधानसभा सीट पर इस बार स्वार में इतिहास बदल चुका है। 27 साल बाद स्वार में बीजेपी और अपना दल के गठबंधन प्रत्याशी की जीत हुई है, और वहीं 96 सीट पर अपना दल प्रत्याशी की भी जीत हुई है। तो आपको लगातार बता रहे हैं कि निकाय चुनाव को लेकर लगातार बीजेपी की बढ़त सामने आ रही है, हर जगह भाजपा की जीत सामने आई है, भाजपा अपनी बढ़त बनाए हुए है। धीरे धीरे हर जगह की तस्वीरें साफ होती जा रही हैं और ये भी पता चल रहा है किसने कहां से कितनी जीत हासिल की है। तो लगातार नगर निकाय चुनाव की पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी अपनी शानदार जीत से आगे बढ़ रही है। नगर निगम चुनाव की बात करें तो नगर निगम 17 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। वहीं नगर पालिका की 199 सीटों पर बात करें तो भाजपा 89 सीटों से आगे है। वहीं सपा 35 पर है और बसपा 22 पर है, कांग्रेस 5 पर है और अन्य जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो 48 पर हैं। तो नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त बनाए हुए है। वहीं 96 सीट पर अपना दल एस और भाजपा की गठबंधन की जीत हुई है। वहीं 27 साल बाद रामपुर में के स्वार विधानसभा सीट पर जीत हुई है गठबंधन की। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विवेक जुड़ेंगे। विवेक, लगातार देखिए रुझान जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ती ही जा रही है।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से इस निकाय स्थानीय नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी बढ़त जो है शुरू से ही बनाई रखी हुई थी, जिस प्रकार से बात कर जा रही थी कि शहर की सरकार किसकी बनेगी, लगातार ट्रिपल इंजन की सरकार की बात हाई का आलाकमान कर रहा था, बीजेपी हाईकमान कर रहा था, तो वैसा होता भी दिखता चला आया है। सुबह जब हमने प्रदेश महामंत्री बीजेपी से बात की थी तो उस समय उन्होंने ये भी कहा था कि हम सभी सीटों पे जो नगर निगम 17 सीटें हैं उन पे जो है वो क्लीन स्वीप करने के इरादे से पहले से उतरे हुए हैं और क्लीन स्वीप इस पे करेंगे भी। अगर बात करें तो इन जो तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से पकड़ बना रखी थी और खासतौर पर उन सीटों पर जिसपे वो उनकी सरकार प्रदेश में हो ना हो लेकिन वहाँ उन सीटों पर दबदबा रहता था। जैसे लखनऊ की बात करें तो मेयर की सीट लगभग 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी के पास है। अगर गोरखपुर की बात करें तो उसकी भी जो सीटें हैं लगभग 3 दशक से वो भी भारतीय जनता पार्टी के पास है और इस बार भी वो सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा गिरी है। यहीं कहीं ना कहीं देखना होगा कि समाजवादी पार्टी जिन सीटों पर टक्कर देती हुई देखी जा सकती थी, एक उम्मीद जताई जा रही थी, राजनीतिक पंडित लगातार ये उम्मीद जता रहे थे कि समाजवादी पार्टी इस निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देगी, लेकिन एक तरफा जो मुकाबला भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। अभी 17 सीटों पर लगातार वो बढ़त बनाए हुए हैं, तकरीबन 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जीत ली है और 9 सीटों पर लगातार वो बढ़त बना के चल रही है। तो इस स्थानीय नगरी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा है और जिस प्रकार से कार्यकर्ता से लेकर संगठन और पन्ना प्रमुख ने बकायदा काम किया है अपने संगठन के निर्देश को, वो धरातल पे आज पूरा होते हुए देखा जा सकता है। विवेक, देखिए जुलूस निकालने के लिए मना कर दिया गया है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बिल्कुल उत्साह दिख रहा है और कार्यकर्ता जो है वो बीजेपी कार्यालय पर जश्न मना रहे थे। तमाम पोस्टर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह का पोस्टर लगा था, फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उसके बाद दोनों डिप्टी सीएम के पोस्टर लगे थे और लोग फूल मालाएं वहां पे एक दूसरे को पहना रहे थे, मिठाइयां बांटी जा रही थी और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस निकाय चुनाव में प्रदर्शन किया है वो काबिले तारीफ है। लगातार मुख्यमंत्री जनसभाएं कर रहे थे और सबसे बड़ी बात ये जी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस निकाय चुनाव की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ली थी, जिसे वो बखूबी निभाते हुए देखे जा सकते हैं। तमाम तरह की जनसभाएं उन्होंने की थी। दूसरे फेज की अगर बात करें तो कुल 22 जनसभाएं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की थी और इसकी अगर बात की जाए तो पहला और दूसरा फेज मिला के तकरीबन 50 जनसभा यानी अर्धशतक बनाया है जनसभाओं का, जनसंपर्क का, और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करने की अपील कर रहे थे। तमाम जो बड़े नेता थे जो स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश आए हुए थे बाहर से भी और जहां जहां पे लोगों ने कैंपेनिंग की, जनसंपर्क किए, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के प्रति वोट करने की बात जो है कही जा सकती थी, ट्रिपल इंजन सरकार की बात कही जा रही थी। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का खेमा है, जो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव मैदान पर भी तो उतरे लेकिन जो सक्रियता सत्ताधारी पार्टी ने दिखाई है, जो सक्रियता विपक्ष को दिखानी थी उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है नाकाम साबित हुई, जिसका खामियाजा उसे आज के दिन भुगतना भी पड़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए तमाम जनसभाएं की और 50 जनसभाएं करने के बाद जनसंपर्क करने के बाद लोगों से वोट की अपील भी की थी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। तो निकाय चुनाव के साथ उपचुनाव के भी नतीजे की शुरुआत हो चुकी है। रुझानों में उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की स्वार सीट पर बीजेपी ने विजय हासिल कर ली है। स्वार से जीतने वाले शफीक अंसारी को कुल 68,513 वोट मिले हैं जबकि उनकी प्रतिद्वंदी सपा की प्रत्याशी अनुराधा को 69,689 वोट मिले। तो वहीं 96 विधानसभा में उपचुनाव में अपना दल प्रत्याशी रिंकी कोल और सपा प्रत्याशी रिंकी कोल में टक्कर थी लेकिन अपना दल प्रत्याशी को जीत मिली है। पल पल की निकाय चुनाव की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। वहीं पर निकाय चुनाव के साथ साथ आज विधानसभा के 2 उपचुनाव का भी रिजल्ट घोषित कर दिया गया है जिसमें अपना दल एस और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में अपना दल एस ने दोनों सीटों पर जीत हासिल की है। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हैं। राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश के कपिल देव अग्रवाल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। शानदार जीत के लिए सबसे पहले बधाई और क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप इस शानदार जीत के लिए?
देखिए नगर निगम की सभी 17 सीटें जीतना, त्वार की सीट जीतना और नगर पालिकाओं में भी हमारी शानदार बढ़त भी है, जीत भी रहे, यानी ये बात को प्रदर्शित करना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का परिश्रम, कठिन परिश्रम, जनता के प्रति जवाबदेही और जनता के प्रति चिंतन और जनता में मोदी जी का योगी जी का विश्वास, ये इस बात का प्रमाण है कि सभी नगर निगम जीत गए और इसके साथ साथ नगर पालिका हम जीते, ग्राउंड का बड़ी अच्छी बढ़त हमारी है और जनता ने शानदार विश्वास भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया। सर किसका किसकी लहर ज्यादा देखने को मिल रही, मोदी लहर है या योगी लहर है? डबल इंजन की सरकार अब ट्रिपल इंजन की सरकार बन चुकी है। कमल के फूल की लहर है, जनता कमल के फूल को आशीर्वाद दे रही है, मोदी जी के हाथ में कमल है, योगी जी के हाथ में कमल है और कमल खिल रहा है और वो उसको लेकर के पूरे देश और समाज के अंदर दौड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक टीम और भारतीय जनता पार्टी में है, मोदी जी के नेतृत्व है और योगी जी का परिश्रम है, दोनों का शानदार कार्यशैली, शानदार परिश्रम और जनता में जनता का विश्वास मोदी योगी जी के प्रति, उसी का ये परिणाम है कि शानदार कमल प्रदेश खिल रहा है और जनता में भरपूर विश्वास है और निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि निकाय में लगातार स्थिर है, यानी पहले से ही बड़ी है। पिछली बार हमारे पास जो नगर निगम थे यानी में हारे थे हम 15 से 17, यानी पहले से ज्यादा बढ़ी है, पहले ज्यादा वोट बढ़ी है, पहले ज्यादा परसेंटेज बढ़ा है, तो विश्वास बढ़ा है, ये बहुत बड़ी बात है जी। जनता ने इतना बड़ा विश्वास जताया है, सर जनता के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे और क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता से? जनता की हृदय की गहराइयों से बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, धन्यवाद बहुत शब्द बहुत छोटा है, धन्यवाद से पूर्ति नहीं हो सकती, बहुत छोटा है। मैं उनको नमन करना चाहूंगा जनता को कि जिन्होंने शानदार आशीर्वाद देने का काम किया है और मुझको लगता है कि जनता ने विश्वास किया है, हम और अधिक जिम्मेदारी जनता ने हमको दी है, और अधिक जिम्मेदारी दी है हमको, और अधिक काम करना है, और अधिक परिश्रम करना है और मेहनत करनी। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो वहीं निकाय चुनाव के साथ आए उपचुनाव के नतीजों की बात करें तो शुरुआती रुझानों में उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के स्वार सीट पर बीजेपी ने विजय हासिल कर ली है। स्वार से जीतने वाली शफीक अंसारी को कुल 67,513 वोट मिले हैं, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी सपा प्रत्याशी अनुराधा को 59,689 वोट मिले। तो वहीं 96 विधानसभा उपचुनाव में अपना दल प्रत्याशी रिंकी कोल और सपा प्रत्याशी कीर्ति कोल के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही थी, लेकिन वहीं पर अपना दल की प्रत्याशी ने यहां पर जीत दर्ज की है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता सुहानी जुड़ेंगे। सुहानी, उपचुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए, दोनों पर गठबंधन की सरकार जो है एक बार फिर से जीत हासिल की है। जी नंदनी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो कि विधानसभा उपचुनाव हुआ था, जो कि आजम खान का स्वर जो रामपुर का एक गढ़ माना जाता था और वहां पे आज जो बीजेपी और अपना दल के गठबंधन से जो एक भारी सपा को भारी शिकस्त दी है। आपको बता दें अपना दल के जो प्रत्याशी शफीक अंसारी है वो कहीं ना कहीं अनुराधा चौहान को एक बड़ी शिकस्त हार दी है। कहा जा रहा है कि जो आजम खान का वहाँ गढ़ माना जाता था और वहाँ उनकी एक शिकस्त हार हुआ है। ये जो उपचुनाव हुआ है उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने जो सदस्यता रद्द हो गई थी उसलिए वहां पे उपचुनाव हुआ है और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि वहां पे एक बड़ी हार मिली है सपा की। और साथ ही आपको बता दी वहां की जो जनता है साफ तौर पर कह रहे हैं कि आजम खान के जो आतंक था उससे हमें ये छुटकारा मिला, वहां न्याय मिला, इसलिए यहां पे जो भाजपा और अपना दल के गठबंधन से एक जीत मिली है। वही बात करें 96 जो सीट जो वहां भी जो भाजपा की एक जीत हुई है, वहां पे राहुल कोल के जो निधन के बाद वहां जो रिक्त सीट हुआ था वहां पे रिंकी कोल एक भारी जीत हुआ है, कीर्ति कोल को भारी जो शिकस्त दी है। तो कहा जा रहा है कि जो बीजेपी अपनी हर जगह परचम लहरा रही है, कहीं ना कहीं जो शिकस्त मिल रही है सपा की वो उसमें उनके पार्टियों के उसमें देखा जा रहा है, क्योंकि कहा साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि जो सपा है वो कहीं ना कहीं अपने जो जनता से जुड़ नहीं पा रही है, अपने वो जनता को काम नहीं दिखा पा, इसलिए कहीं ना कहीं हर जगह शिकस्त मिल रही है। जी सुहानी, आजम परिवार के राजनीतिक करियर को अब किस तरीके से देखा जाए?
जी नंदनी आपको बता दें कि अब साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री के जो कहा जा रहा था कि बीजेपी सरकार में जो मुस्लिमों के जो अल्पसंख्यक जो हैं उनको हम जो बीजेपी है वो उनके बातों पर उनके विश्वासों पर खड़े नहीं उतर रही है, लेकिन साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अब हर जगह चाहे निकाय चुनाव आप देख सकती हैं कि आज जो रिजल्ट आया है, चाहे आप उपचुनाव का देख सकती हैं, उसमें तमाम जो है कि हमें जो अल्पसंख्यक और जो मुसलमानों से वोट मिला, तो कहा जाए ये कि जो सपा के हो कहीं ना कहीं उनके ये बहुत बड़ी हानि हो सकती है, क्योंकि निकाय चुनाव में भी इतनी बड़ी बढ़त नहीं बना पाई है और ना उपचुनाव में भी शिकस्त मिल रही है, क्योंकि रामपुर एक उनका गढ़ माना जाता था समाजवादी पार्टी का। वहीं आपको बता दें कि बहुत बड़ी ये हार हुई है और कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी को एक और कड़ी मेहनत करना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि पहले समाजवादी पार्टी जब उनके चाचा शिवपाल यादव आए तो उनका हुंकार एक भरे थे कि इस बार जो कोई भी चुनाव होगा, चाहे निकाय चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, उसमें हम जीत हासिल करेंगे, बड़ी जीत हासिल करेंगे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जनता भी जानती है कि किस प्रकार से हम और जो अपनी सरकार से जी सकते और क्या उनके काम देख सकते हैं। तो कहा जाता है यही कि बीजेपी जो है अपनी 365 दिन चुनावी मोड में रहती है और यही सब देखकर जनता भी कहीं ना कहीं बीजेपी को अपनी सरकार चुन रही है। जी रंजनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुहानी। बजरंग बली और केरला स्टोरी के विवादों के बीच कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस गेम चेंजर की तरह साबित हुई। विधानसभा चुनाव के आज नतीजे आ चुके हैं, 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हुई। रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिला है। आपको बता दें कि पार्टी 120 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही थी, वहीं बीजेपी 67 सीटों पर आगे थी जबकि जेडीएस तीसरे नंबर पर थी। तो वहीं कर्नाटक में भाजपा नेता येदियुरप्पा ने अपनी हार को मंजूर कर लिया है। कर्नाटक चुनाव में बात करें तो कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है। कांग्रेस कर्नाटक के चुनाव में विधानसभा के चुनाव में अपनी जीत दर्ज कर चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, कर्नाटक में कांग्रेस का चाणक्य किसको कहा जाए? शानदार जीत हुई है। जी बिल्कुल नंदनी, आपको बता दें कि कर्नाटक के अंदर में कांग्रेस पार्टी की एक ऐतिहासिक जीत होते हुए नजर आ रही है। आपको बताएं कि 224 सीटों वाले कर्नाटक में 137 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है, वहीं 63 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब देर शाम जब फाइनल रिजल्ट आएगा, जिसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से बनते हुए नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से हार को स्वीकार लिया गया है, उनका कहना है, अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री और कर्नाटक में बीजेपी के बड़े चेहरे येदियुरप्पा का कहना है कि इस हार को हम स्वीकार करते हैं और 2024 में हम एक बार फिर रिटर्न होते हुए नजर आएंगे। आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के विभांशु, देखिए पीएम मोदी से लेकर योगी तक ने वहां पर स्टार प्रचारक के रूप में गए थे। पीएम मोदी ने यहां तक कि लंबा रोड शो भी किया था, लेकिन उसका कुछ असर नहीं दिखाई दिया। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के साथ साथ देश भर में एक स्टार प्रचारक के रूप में प्रचार करते हुए नजर आते हैं। कर्नाटक के अंदर में भी उन्होंने 3 दिवसीय दौरा किया और विभिन्न जनसभाओं को संबोधित किया। साथ ही देश के प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं कर्नाटक के अंदर में जाकर और कर्नाटक की समस्याओं पर बात करते हुए नजर आए। वहीं अगर बात की जाए तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री मुंबई की तरफ से साफ तौर से हार को स्वीकार किया गया है और कहा गया है कि ये हार कहीं ना कहीं जनता की तरफ से दिया गया है, इसे मैं स्वीकारता हूं और 24 में हम बेहतर तरह से प्रदर्शन करेंगे। मगर पूरी तरह से देखें तो कांग्रेस की हवा पूरी तरह से कर्नाटक में चलते हुए शुरुआत से ही नजर आई थी। साथ ही अगर बात की जाए तो इस ऐतिहासिक जीत के बाद कांग्रेस, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। तो ये थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में, लगातार आपको नगर निकाय चुनाव की पल पल अपडेट दे रहे हैं, जिसमें भाजपा की शानदार जीत नजर आ रही है। लगातार नगर निगम में भाजपा ने अपनी बढ़त बनाए हुए है। लगातार निकाय चुनाव की पल पल अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।